इसराइली फौज ने हिज़्बुल्लाह के कायम मुकाम सरबरा हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा किया है। इसराइली फौज का कहना है कि हाशिम सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बेरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन हिज़्बुल्लाह के साबिक सरबरा हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं और सैयद हसन नसरुल्लाह को इससे पहले शहीद किया जा चुका है। ये पहला मौका है जब इसराइल ने साबिक सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के बाद हिज़्बुल्लाह के आला तरीन सियासी अहदेदार के कत्ल की तस्दीक की। ताहम हिज़्बुल्लाह की जानिब से अभी तक इसराइल के इस दावे पर कोई तबसरा नहीं किया गया।